ठीक है, तो इतनी चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब आप लिखिए एक और, अगेन एक बढ़िया क्वेश्चन लिखवाता हूं, इस ब्लैक से लिखते हैं। फाइंड द करंट आई नॉट। ओके, आपको एक सर्किट दिया जा रहा है और आपको वो फाइंड करना है। 27 वोल्ट है इधर, इधर एक रेजिस्टेंस है, इधर एक रेजिस्टेंस है, और इधर एक इंडक्टेंस है, इधर एक रेजिस्टेंस है, इधर एक अगेन एक रेजिस्टेंस है, और ये इस तरह से कनेक्टेड है। अगर मैं बात करूँ इसकी, ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, और यहाँ पे 2 ओम है, और ये 2 ओम है, और ये है 2 हेनरी। और दोस्तों आपको जो ये आई नॉट करंट है ये निकालना है। सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब यहाँ पे क्या कर दिया है दोस्तों, आई नॉट है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ दोस्तों, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आप, ठीक है, अगर आपने सॉल्व कर लिया बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड, आप चीज़ों को सीखने लगे हैं, है ना। आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी आप गेट के लिए प्रिपेयर करते हो, स्पेसिफिकली मैं किसकी बात कर रहा हूँ, गेट की, तो क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करना है। आपको हमेशा एक कॉन्सेप्ट पे नहीं चलना है, कॉन्सेप्ट को मिक्स करना सीखिए, फिर सब्जेक्ट को मिक्स करना सीखिए, मतलब पहले एक सब्जेक्ट के एक ही अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करना सीखिए, फिर क्या है, सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करना। इस साल का अगर मैं गेट के पेपर की बात करूँ, कई बार एनालॉग प्लस नेटवर्क को मिक्स करके क्वेश्चन डिजाइन किए गए थे बहुत सारे, तो ना कॉन्सेप्ट को मिक्स करना सीखिए। अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये जो इंडक्टेंस लगा है दोस्त, आप सोचे यार इसको मैं सॉल्व तो कर लेता, लेकिन यार यहाँ तो पिछला केस तो ऐसा ही था, लेकिन यार इंडक्टेंस आ गया, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पे मैंने कौन सा सोर्स लगाया है, डीसी सोर्स। क्या लगा है, अंडर स्टडी स्टेट, अंडर स्टडी स्टेट मेरे को बताइए, अगर अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है एज ए ओपन सर्किट, अगर मैं बात करूं इंडक्टर की तो कैसे बिहेव करता है दोस्तों, एज ए शॉर्ट सर्किट। तो दोस्तों यहां पे स्टडी स्टेट कंडीशन में ही तो है, क्या मैंने कहा यहां पे आपको कोई ट्रांजिएंट दिख रही है, कोई स्विच दिख रहा है, कि मैंने ट्रांजिएंट कब होता है, ट्रांजिएंट को जैसे मान लीजिए आप यूं कोई सर्किट है उसमें ट्रांजिएंट है टी इज इक्वल टू 3 या 0 सेकंड पे, ऐसा कुछ मैंने कहा यहां पे नहीं है, तो स्टडी स्टेट में है, तो इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे शॉर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों क्या ये क्वेश्चन वही था, क्या इनका आंसर सेम आएगा या नहीं आएगा, तो दोस्तों इसका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, सेम एज अबव। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आंसर की, आई नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, -1.5 एम्पियर। ठीक है, तो इतनी चीज थी इस क्वेश्चन में। अब लिखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। देखो कई स्टूडेंट्स क्या होंगे, सिर्फ एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अपने काम के लिए नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरे को सपोज मैं इंजीनियरिंग सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ या गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, है ना, तो क्या मैं एसएससी जेई देने वाला नहीं हूँ, मैं भी एसएससी जेई दूंगा। और एक आप हो जो सिर्फ एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वो भी एसएससी जेई ही देगा। तो मेरे को बताइए, अगर आप ज़्यादा चीज़ों को पढ़ोगे, ज़्यादा कॉन्सेप्ट को सीखोगे, तो क्या किसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो थ्योरेटिकल होती है, वो इंजीनियरिंग सर्विस गेट में काम नहीं आती है, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए वो थोड़ी सी चीज़ें वो भी तो पढ़ लेगा, एग्जाम उसका भी, उसको भी नौकरी चाहिए, तो क्या पॉसिबिलिटी किसकी बढ़ जाएगी, जिसने ज़्यादा पढ़े चीज़ें उसकी, या जो पहले से कम सोच के चला है यार, वो तो पहली बात न्यूमेरिकल को देखते ही घबराता है, ऐसे जेई टाइप वाले बंदे, है ना। तो आपको बेसिक चीज़ें, पाँच ही जो सब्जेक्ट हैं, अगर मैं ऐसे जेई की बात करूँ, नेटवर्क हुआ, मेजरमेंट हुआ, मशीन्स, पावर सिस्टम, बस, है ना। तो लेकिन अपन को जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसको पूरा पढ़िए, आपको कॉन्सेप्ट्स तो मिल रहे हैं इतने अच्छे अच्छे, तो फिर आप कोई भी एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर क्वेश्चन लिखिए अगला, फाइंड वी नॉट फॉर द सर्किट शून। आपको एक सर्किट दिया गया है,
देख रहे होंगे यार ये क्या बनने लग गया, सर्किट तो कहीं दिख ही नहीं रहा। ये देखो ये है अपना सर्किट, जो गेट की देते होंगे उनको तो थोड़ा अपने टाइप का लग रहा होगा, है ना। ये हो गया अपना 5 ओम, ये हो गया 4 ओम, ठीक है। तो अब आपको निकालना है दोस्तों वी नॉट, ठीक है। अब आपको यहाँ पे वी नॉट की मैं बात करूँ तो ये है अपना वी नॉट, ठीक है। तो ये N1 और N2 क्या है दोस्तों, नेटवर्क है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, तब तक मैं इस ऊपर वाले क्वेश्चन को मिटाता हूँ। अरे दोस्तों एक मिनट, मैंने आपको क्वेश्चंस में कुछ डेटा कम दिया, आप सॉल्व कैसे करोगे, है ना। यहाँ पे वोल्टेजेस हैं, यहाँ पे भी वोल्टेज है, उसकी वैल्यू है दोस्तों यहाँ वाले वोल्टेज की है 15, ठीक है, दिख रही होगी आपको आई होप। यहाँ है 15 ऊपर वाले के अक्रॉस और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है वैल्यू 16 वोल्ट। ओके अब आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। ठीक है यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा हैक्टिक हो रहा है तो ये लिख लीजिए, यहाँ पे प्लस माइनस कितना है 15 वोल्ट। ओके यहाँ 15 है या 16 था, आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अपन से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्तों, वी नॉट पूछा गया है। अब देखिए कैसे इसको किया जाए। सबसे पहली बात आती है यहाँ पे एक नेटवर्क है, यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन, इसका N1 का मतलब मैं बात करूँ, अगर इस N1 की अगर इस N1 की बात की जाए ना दोस्तों, तो इसके अंदर कोई भी नेटवर्क हो सकता है, इस तरह से या फिर कोई जा रहा है ना, तो ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क है दोस्तों, ठीक है। तो ये है N1 और यहाँ पे सपोज कोई नेटवर्क है N2, ठीक है। फिर आपसे पूछा है दोस्तों ये वी नॉट निकालना है, आपको क्या निकालना है दोस्तों वी नॉट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको अलग से वापस क्वेश्चन ड्रॉ कर, मैं इसी में करने क्वेश्चन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे प्लस माइनस 16 वोल्ट, यहाँ 15 वोल्ट। अब मेरे को एक बताइए, प्लस माइनस का मतलब होता है प्लस जहाँ पे होता है रेजिस्टेंस, जहाँ से करंट एंटर कर रहा होता है। तो यहाँ से करंट कहाँ एंटर कर रहा है, यहाँ से यहाँ कर रहा है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या मेरे को दिया है, वोल्टेज दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है। आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो आई क्या हो गया यहाँ पे 15/3, तो यहाँ पे कितना हो गया 5 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूँ करंट की कितना हो गया 16/4, मतलब वी अपॉन आर 16/4 4 एम्पियर, ठीक है। तो एक इस नेटवर्क के अंदर 5 एम्पियर इधर से जा रहा है, 4 एम्पियर इधर से जा रहा है। तो मेरे को बताइए दोस्तों, अगर मैं कहूँ, ठीक है, ये कोई नेटवर्क है ना, यहाँ से 9 एम्पियर, सपोज ये कोई नेटवर्क है 9 एम्पियर, इसके अंदर करंट जा रहा है सपोज कितना भी, जैसे मान लो 3 इधर से जा रहा है, इधर से 6 जा रहा है, तो यहाँ से कितना निकलेगा, जितना गया है, जितना इनकमिंग है उतना ही तो आउटगोइंग होगा, दैट इज KCL। तो 9 एम्पियर है यहाँ से, तो यहाँ से भी 9 एम्पियर होगा। तो मेरे को बताइए 5 इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, 5 + 4 कितना हो गया 9 एम्पियर इसके अंदर नेटवर्क के अंदर जा रहा है, और यहाँ पे 5 एम्पियर है, और यहाँ पे क्या कहा है कि प्लस माइनस वी नॉट पूछा गया है। ये तो अपन से पूछा है, ये कोई कहा नहीं गया कि श्योर है कि करंट यहाँ से भी जा ही रहा है। 5 + 4 जा रहा है तो सीधी सी बात है यहाँ से कुछ ना कुछ निकलेगा, तो ये क्या निकलेगा 9 + 9 एम्पेयर निकलेगा, जितना गया उतना ही निकलेगा, मतलब 5 + 4 9 एम्पेयर। तो अगर मैं बात करूँ ओरिजिनल कन्वेंशन की, तो करंट यहाँ से एंटर हो रहा है, तो यहाँ से क्या हो गया ये हो गया। तो अगर मैं बात करूँ ये कितना होगा 9 × 5 = 45 वोल्ट, मतलब वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों वी नॉट की, तो उसका आंसर कितना आएगा, जो क्वेश्चन में अपन को कन्वेंशन दिया था वो क्या दिया था प्लस माइनस, आंसर किस में आया माइनस प्लस, तो वो क्या हो जाएगा उसका अपोजिट, दैट इज नेगेटिव, तो -45 वोल्ट। ओके ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा मिनट, ठीक है, तो ये चीज़ थी। तो दोस्तों आई होप आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अपन ने मैथ्स एनालिसिस डिस्कस कर लिया, एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे उससे रिलेटेड, सुपर मैथ्स वगैरह क्या क्या चीज़ें होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे दोस्तों, अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लग रहे हैं, कि लग रहा है कि हाँ यार ये हम सब के लिए बहुत ही अच्छे हैं, बहुत जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो यार वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और सबसे बड़ी बात आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हो सके कि चैनल
फैलेगा। आप अपने, जैसे आप कोई भी स्टूडेंट हो, क्लास के स्टूडेंट, अपने दोस्तों को बताइए कि हम स्टडी माई वे इतनी अच्छी इनिशिएटिव लेके आया, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी अच्छी लेक्चर सीरीज लेके आ रहा है। तो यार दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिए चैनल को, जितना हो सके लोगों को बताइए, और कोई भी इससे रिलेटेड कमेंट होता है तो आप डाउट होता है तो कमेंट में पूछ लीजिए, कमेंट में, डाउट में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।